नमस्कार, वेलकम टू स्टडीज ऑनलाइन। तो दोस्तों, यकीनन आप सभी के लिए आ रही है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आरपीएफ ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई, इन सभी का रिजल्ट आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ फिजिकल की तारीख भी घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है, पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आरपीएफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आप देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल के स्पेस का लिंक दिया गया है। आपको गूगल में सर्च करना है स्टडी जॉब लाइन, सबसे ऊपर ही ऊपर studyjobline.com ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। अब आप दोस्तों इसे खोल लीजिए। खोलते ही आपको होम पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप जो ऊपर 8 बड़े बड़े बॉक्स है, इनमें से एक है साइड में आरपीएफ है साई रिजल्ट का। अब दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक अगली पोस्ट खुलेगी। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आरपीएफ एसआई में जो सभी ग्रुप है, तमाम ग्रुपों का रिजल्ट है वो आज जारी कर दिया गया है। आपको दोस्तों इस पोस्ट में थोड़ा नीचे जाने पर एक सारणी दिखाई देगी। इसमें पहले ग्रुप का नाम लिखा गया है और उसके बाद में डाउनलोड लिंक दिया गया है। आप जिस भी ग्रुप से हैं उसके सामने जो क्लिक एयर है उसके ऊपर क्लिक करो। उदाहरण के तौर पर हम ग्रुप डी का रिजल्ट है वो डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ है वो डाउनलोड हो रही है और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए पीडीएफ आपके सामने खुल गई। अब दोस्तों, इस पीडीएफ में तमाम विद्यार्थियों का नाम है जो आपके फिजिकल के लिए पास किए गए हैं और ऊपर फिर पीडीएफ में आपकी फिजिकल की तारीख बताई गई है। देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर फिजिकल की तारीख बताई गई है 24 और 25 मार्च को। आरपीएफ एसआई ग्रुप डी के फिजिकल 24 और 25 मार्च को करवाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, फिजिकल के लिए लगभग आप मानिए एक महीने का टाइम आपको इस ग्रुप डी में मिल रहा है आरपीएफ एसआई वाले विद्यार्थियों को। यानी बहुत ज्यादा टाइम तो हम इसे नहीं कह सकते। इस प्रकार से दोस्तों, आप आरपीएफ एसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर देख सकते हैं सभी ग्रुपों का रिजल्ट आ गया है। और दोस्तों, बात करें कि कितने विद्यार्थियों को पास किया गया है, तो दोस्तों इस बात के ऊपर अभी भी असमंजस मना हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको इसका कारण बताया जाए, क्योंकि दोस्तों किसी ग्रुप में तो 11 गुना विद्यार्थी पास हो रहे हैं और किसी ग्रुप में मात्र 6 गुना विद्यार्थी या 7 गुना विद्यार्थी ही पास हो रहे हैं। और वास्तव में बात सोचने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है, 10 गुना पास करने का नियम था। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको इसका जो कारण है वो हम बता दें। इसलिए आप आगे आने वाले वीडियोस को तुरंत जरूर देखिएगा। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ही हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं तुरंत आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी आरपीएफ एसआई का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन अपने सभी दोस्तों में शेयर करना आपका फर्ज जरूर बनता है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अपना रिजल्ट है वो देख सकें। आपका नंबर आया है तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपका नंबर नहीं आया तो निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2019 के अंदर रेलवे में इतनी भर्तियां आ रही हैं कि कोई अंदाजा ही नहीं है। ग्रुप डी की 1,00,000 पदों के ऊपर भर्ती आ गई है, इसके अलावा 30,000 पदों की भर्ती और भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।